टेक ओवर या ट्रांसफर BSNL को MTR का संचालन सौंपने पर विचार कर रही है सरकार, जानिए इसके पीछे की वजह। एक नई जानकारी अब BSNL को लेकर उभर कर सामने आई है। सरकार MTR के हाई लोन के कारण उसे BSNL के साथ मर्ज करने के बजाय उसके नेटवर्क को ऑपरेशन ट्रांसफर कर सकती है। ये बदलाव एक एग्रीमेंट के माध्यम से होगा। MTN के संचालन को ट्रांसफर करने को लेकर होने वाले एक फैसले का एक महीने के भीतर ही आने की उम्मीद है। आइए और जानते हैं पूरी जानकारी। भारत सरकार कर्ज में डूबी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी कि MTL की नई रणनीति तलाश रही है। भारत संचार नगर लिमिटेड यानी कि BSNL के साथ पूरी तरह मर्ज करने के बजाय वे एक समझौते के माध्यम से MTL के प्रशन को BSNL ट्रांसफर करने पर विचार कर रही है। इसके बारे में जानकारी देते हुए सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार MTL के भारी कर्ज के कारण BSNL के साथ विलय के फिलहाल सही नहीं माना जा रहा है। ऐसे में संचालन को ट्रांसफर करना एक सही विकल्प होगा। आइए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। क्या होगा अगले कंपनी का कदम। जानकारी मिली है कि एक महीने के भीतर कंपनी इस विषय पर अंतिम फैसला कर सकती है। एक बार अंतिम रूप दिए जाने के बाद प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कैबिनेट में पहुंचने से पहले सचिवों की समिति द्वारा इसका समीक्षा की जाएगी। यह संभावित अधिग्रहण MTL की बढ़ती वित्तीय परेशानियों के बीच में हुआ है। कंपनी ने हाल ही में अपर्याप्त फंड के कारण कुछ बॉन्ड पर ब्याज भुगतान करने में असमर्थता की घोषणा की है। बाजार में हिस्सेदारी में कमी। रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल जैसी निजी दूरसंचार कंपनी प्रतिस्पर्धाओं ने भारत में डेटा और वॉइस सेवाओं की बढ़ती मांग के कारण ग्राहकों की संख्या में वृद्धि देखी है। वहीं MTL का यूजर बेस लगातार घट रहा है। पिछले एक साल से उन्होंने आधे मिलियन से ज्यादा ग्राहक खोए हैं, जो 4.66 मिलियन से घटकर 4.1 मिलियन रह गए हैं। इसके साथ ही MTL की वित्तीय स्थिति खराब है। इसके वित्तीय वर्ष 2024 में उनका घाटा बढ़कर 3.267 करोड़ रह गया। वहीं F23 में यह घाटा यानी कि 2023 में यह घाटा 2915 करोड़ रह गया था। इसके अलावा परिचालन में उसका राजस्व सल 14.6 कम होकर FY यानी कि 2024 में 798 करोड़ रुपए पहुंच गया है। इसलिए अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।